खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सीबीआई के विवाद के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलपाईगुड़ी में सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। महिला अधिकारों पर झूठ बोलने वाली कांग्रेस ने अपनी असली सच्चाई भी, अपना चेहरा देश के सामने खुला रख दिया है। तुष्टिकरण की अपीजमेंट के लिए कांग्रेस किस हद तक जा सकती है, ये भी उसने कल फिर से पब्लिकली बयान कर दिया है। साथियों, कांग्रेस ने अब खुलकर के कह दिया है कि वो तीन तलाक चलने देगी, मुस्लिम बेटियों की बर्बादी होने देगी, तीन तलाक को रोकने के कानून का विरोध करती और कहते हैं हम आएंगे तो इस कानून अगर मोदी लाकर के जाएगा तो भी खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने उन लाखों मुस्लिम बहनों बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ है उनके साथ अपनी सहमति जता दी है, उन्हें धोखा दिया है जो तीन तलाक कानून के लिए बरसों से प्रदर्शन कर रही थी, मीडिया में आकर अपनी पीड़ा जता रही थी। कांग्रेस ने फिर दिखा दिया कि उसे सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं है। जो तुरंत तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर चुका है, राजीव गांधी के समय साबानो केस में कांग्रेस ने जो गलती की थी अब वही गुनाह उसने कर दिया है। वो भूल गई है कि तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को कितने बुरे दौर से गुजरना होता है, कितने संकटों से गुजरना होता है। मैं दो तीन दिन पहले ही मीडिया में आई एक मुस्लिम बेटी की व्यथा पढ़ रहा था। उस बेटी का 2009 में निकाह हुआ था, उसके बाद उसे दो बार तीन तलाक झेलना पड़ा, उसे जो यातनाएं भुगतनी पड़ी वो सार्वजनिक रूप से बताना भी मेरे लिए मुश्किल है, इतनी पीड़ा हुई इस महिला को। साथियों, यहां पश्चिम बंगाल की भी अनेक बहनों को इस तरह के अत्याचार से गुजरना पड़ा है। वो बरसों से तीन तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थी जिसे हमारी सरकार पूरा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन तुष्टिकरण के लिए किसी भी हद से गुजरने वाली कांग्रेस ने न सिर्फ तीन तलाक कानून को संसद में रोका बल्कि उसे अब खत्म करने की भी बात करने लगी है। मैं आज यहां पश्चिम बंगाल में यहां की तृणमूल कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि ममता दीदी, आप तो एक महिला है, अरे आप तो साफ बताइए आप क्यों तीन तलाक के कानून के आड़े खड़ी रही हो? आप मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए क्या वोट ज्यादा कीमती है कि मुस्लिम माताओं बहनों का अधिकार कीमती है? साथियों, ये लोग कुछ भी बोले, मैं देश की सभी मुस्लिम बहन बेटियों को ये भरोसा देना चाहता हूं कि तीन तलाक कानून को, तीन तलाक कानून को हटाने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं को न्याय के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार इस नई खंडपीठ और बाकी विकास परियोजनाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आज पश्चिम बंगाल की धरती पर मेरी कुछ भावनाओं को भी प्रकट करना चाहता हूं। कभी हम बचपन में सोचा करते थे ये नेताजी सुभाष बाबू में कौन सी ताकत है कि उन्होंने हिंदुस्तान की धरती के बाहर जाकर के भी इतनी बड़ी सल्तनत के खिलाफ
लड़ाई लड़ने का माजा क्या कारण है। हम कभी अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल जाते हैं और वहां एक के बाद एक नाम पढ़ते हैं, सभी बंगाल के युवा युवतियों के नाम पढ़ते हैं, तो मन में होता था कि बंगाल की मिट्टी में वो कौन सी ताकत है कि आजादी के जंग में काली पानी की सजा के बाद भी आजादी के जंग में पीछे नहीं हटे। क्रांतिकारियों के नाम देखे, फांसी के तख्त पर चढ़े हुए नाम देखे तो बंगाल के नौजवानों की सूची सामने आती है। एक के बाद एक ऐसे वीर नायक, मातृभूमि के लिए जीने मरने वाले। तब मन में होता था कि बंगाल की धरती में वो दम क्या है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है बंगाल का मतलब क्या होता है। दीदी के इतने जुल्म के बाद भी यहां कोई डरता नहीं है। इतनी हिंसा, अत्याचार, नौजवान बेटे बेटियों की हत्या के बावजूद भी ये जो ताकत आप दिखा रहे हैं, आपको देख करके मुझे पता चलता है कि नेताजी बाबू सुभाष बाबू बंगाल की धरती पर पैदा क्यों होते हैं। ऐसे ही वीर आप हो, ऐसा ही सामर्थ्य आप में है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप हमारी प्रेरणा है, आप हमारी ऊर्जा है, आप हमारी शक्ति है। आज जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था, मेरे लिए अद्भुत दृश्य था कि यहां खड़े सब लोगों ने अपने मोबाइल फोन की बैटरी लाइट चालू की और हेलीकॉप्टर का स्वागत किया, मेरा स्वागत किया, आपने आशीर्वाद दिए अपनी अपनी मोबाइल फोन की बैटरी की लाइट चालू करा करके। ऐसा दृश्य आपने बना दिया था, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यहां एक रथ खड़ा है, ये रथ है भारत के लोगों के मन की बात। ये रथ बंगाल के गली मोहल्ले में जाएगा। आने वाले बीजेपी की सरकार जब बनेगी 2019 में, चुनाव के बाद जब हम सत्ता में आएंगे, तो देश में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी नीतियां बनानी चाहिए, कौन से फैसले लेने चाहिए, किसानों के लिए क्या करना चाहिए, युवा के लिए क्या करना चाहिए, गांव के लिए क्या करना चाहिए, गरीब के लिए क्या करना चाहिए, शहर के लिए क्या करना चाहिए, हम आपसे सुझाव मांगने के लिए निकले हैं। ये रथ आपकी बात सुनने के लिए आया है। आप लिख करके उस पर रखिए, उसको पढ़ा जाएगा। उसमें से 2019 में भाजपा सरकार बनने के बाद, फिर से दिल्ली में बैठने के बाद कौन से काम करने हैं वो हम आपको पूछ करके करना चाहते हैं। इसके लिए आज यहां रथ मौजूद है, ऐसे रथ पूरे पश्चिम बंगाल में घूमने वाले हैं। भाइयों बहनों, आपके इस ताकत को जो बंगाल की धरती पर नहीं आएगा ना, वो उसे पहचान नहीं पाएगा। और ये सल्तनत क्यों डरी हुई है, ये कोलकाता में बैठी हुई दीदी क्यों डरी हुई है, वो मोदी के कारण नहीं, आपके कारण डरी हुई है। ये आपका जुस्सा, आपका प्यार, इसके कारण डरी हुई है। भाइयों बहनों, भोले भंडारी की इस धरती से मैं आप सभी को, पूरे देश को महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके अपने मोबाइल की बैटरी चालू करके भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की, भारत माता की। अपने मोबाइल फोन की बैटरी चालू कीजिए सब लोग, अपने मोबाइल फोन की बैटरी चालू कीजिए, लाइट चालू कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे
देखिए कैमरा वाले अब आपकी फोटो ले रहे हैं, अद्भुत नजारा देख रहा हूं मैं, दूर दूर लाइट ही लाइट। ये कोलकाता में बैठे हुए लोगों को पता चलेगा, ये नई ऊर्जा नया प्रकाश निकल चुका है। बीबी का अत्याचारी शासन बचने वाला नहीं है। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में ममता के गढ़ में मौजूद हैं और नारा क्या लगाया गया उनकी तरफ से, दीदी का अत्याचारी शासन बचने वाला नहीं है। जलपाईगुड़ी की आवाज कोलकाता तक पहुंचेगी, मतलब ममता बनर्जी तक पहुंचेगी। ममता बनर्जी को लेकर उनकी तरफ से हमले किए गए, साथ ही राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से निशाना साधा। वाड्रा के साले साहब दीदी की धुन में व्यस्त, ये कहते हुए राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया पीएम ने। साथ ही तीन तलाक कानून का विरोध करने वालों का सत्ता में आने का दावा, तीन तलाक के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर बड़ा हमला पीएम मोदी का, और ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया ये कहते हुए कि बंगाल में तो हिंसा का दौर चल रहा है लेकिन दीदी का अत्याचारी शासन अब खत्म होने वाला है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।